फिश है, सी फीड है और नीचे राइस है आपका। फिर से करते हैं बस अभी मंडी पड़ा। तो भाई साहब झोले के गौर बकचोदी भरे वीडियो में आपका स्वागत है। और ये इस वीडियो में मान के चले कि एक्चुअली में कुछ अलग सी बकचोदी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है आपका एक सुशी रेस्टोरेंट कन्वेयर बेल्ट सुशी, जो कि मैंने एक्चुअली अगर आप यूट्यूब पे जाकर और वीडियोस देखेंगे तो काफ़ी अपने देसी जनता इस तरह के वीडियोस नहीं दिखाती, तो मैंने सोचा कि चलिए इस वीडियो में आपको ऐसी चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यूजुअली इंडियंस नहीं जाते हैं या फिर जाते हैं तो फिर रिकॉर्ड नहीं करते होंगे। तो मैं ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत डिटेल्स देता हूँ कि मैं हूँ फ़िलहाल आपका एक सिटी लिंक करके मॉल है वहाँ पे हूँ, और यहाँ पे एक सुशी एक्सप्रेस करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे जा रहा हूँ। पहुँचते हैं, ये कन्वेयर बेल्ट सुशी है, आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, तो आपको पूरा दिखाते हैं किस तरह का सेटअप होता है, किस तरह से आप पे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहुँचते हैं वहाँ पे, मैं बस एक फ्लोर नीचे आ चुका हूँ और शाम के 9 बज रहे हैं, इससे पहले लगभग मैं 2 घंटे पहले और आया था, तो मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भसड़ दिखी थी, तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ी देर में आते हैं, 10 बजे तक ये ओपन रहता है, तो 1 घंटे हैं मेरे पास जाके इन सब चीज़ों को ट्राई करने के लिए। तो पहुँचते हैं ऊपर और फिर कवर करते हैं आपको कि एक कन्वेयर बेल्ट सुशी रेस्टोरेंट में आपका किस तरह का सेटअप होता है, क्या कितनी वैरायटी की आपकी सुशीज़ होती हैं और कैसे कैसे होता है। चलिए पहुँचते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि वैसे ये सिंगापुर है तो यहाँ पे और भी आपको काफ़ी ऑप्शंस आपके पास सुशी रेस्टोरेंट्स के, बट मैंने जो रिव्यूज़ देखे उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड किया यहाँ पर आता हूँ। ये एस्प्लेनेड करके शायद, हाँ एस्प्लेनेड MRT है, उसके नियरेस्ट है ये आपको, तो अगर आपका इंथू होता है आने का तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। एस्प्लेनेड की MRT लेनी, उसके बाद 5-10 मिनट का वॉक है आपका। ये लीजिए पहुँच गए हम आपका सुशी एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ साइड का एक टेबल लेने की कोशिश करता हूँ। एक बार आप देखते रहिए। थैंक यू। चलिए मैं थोड़ा चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे सामने चाय पत्ती, अगल बगल देख रहे हैं लेकिन पानी पड़ता है, हाँ तो ये देखिए चाय है, इसको आप इसमें इस तरह से आपके हर टेबल के सामने रखी हुई है, तो आपने ये चाय का इसमें डाल दिया और बगल में आपका ये देखिए इसको आपको प्रेस करना है, गर्म पानी आपको निकलेगा, तो आप ये चाय बन गई, ग्रीन टी है बेसिकली। और उसके बाद जो आपको दूसरी चीज़ करनी है वो देखिए टेबल के सामने हर चीज़ यहाँ पर आपका ये वसाबी का पैकेट रखा हुआ है, मैं फाड़ता हूँ उसके बाद क्या है दूसरा मैं इसको फाड़ लूँगा उसके बाद डालता हूँ, और फिर आपके पास ये एक सोया सॉस है, इसको मिक्स करके आपको ये अपना एक सॉस तैयार करना है। और सामने आप देख रहे हो कि मेरे पास कन्वेयर बेल्ट की से सुशीज आती जा रही हैं, तो मैं पहले इसे मिक्स कर लेता हूँ फिर आगे आपको वीडियो बनाने करता हूँ। तो मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि देखिए मैंने तैयार कर लिया, ये देखिए सबसे पहले आपका येरा वसाबी का सोया सॉस मैं मिक्स कर लिया है, चाय तैयार हो गई मेरी। एक बार मैं आपको सामने भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से चीज़ें लिखी भी हुई यहाँ पर, कि आपका लेफ्ट में साइड में वसाबी रखा होता है, उसके बगल में आपके वो पैन रखे हैं जिसमें आपको ये वसाबी रखनी है, बगल में टूथपिक है अगर आप ये देखो, और फिर टी बैग्स और कप्स हैं। तो मैंने पहली सुशी उठा ली है, और अच्छा ये भी देख लीजिए आप फंडा क्या होता है कि जो भी ये प्लेट आ रही है उनमें से कुछ प्लेट उठाती जाइए यहाँ पर जितना, हाँ तो मैं आपको ये भी डिटेल दे देता हूँ कि यहाँ पे जितना मैंने देखा तो वहाँ पे सामने लिखा हुआ कि हर एक प्लेट की जो कीमत है वो आपकी $1.50 है, $1.50 मतलब हो गए लगभग आपके 75 इंडियन रुपए। तो कुछ लोग अगर आप जाओगे तो क्या होता है कि जैसे ये एक ही कलर की है, अगर आप यहाँ पे एक भी नोटिस करो तो सभी जो प्लेट की कलर्स हैं वो सारे पिंक कलर के हैं, बट यूजली कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि आपके अलग अलग तरह के प्लेट्स होते हैं और फिर अलग अलग कलर्स उनके होते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्रीन कलर का होगा उसका $1 का प्राइस होगा, कोई ये जैसे पिंक हो गया तो $1.50 होगा, उससे ज़्यादा कोई हो सकता है $2 का, और फिर आप खाते जाएंगे और फाइनली आप बगल में असेंबल करते जाएंगे और फाइनली जब आप
हो जाता है, तो जब आप बिल मंगाओगे तो वो काउंट करके कितना प्राइस हुआ है उसके बेसिस पे फाइनली करते हैं। तो मैं फिलहाल, तो चलिए ये पहली सुशी जो मेरी आ गई है यार, ये चलिए हम अपनी सुशी आरंभ करते हैं। पहले एक मैंने ख़त्म कर दिया, वो थोड़ा सा चॉपस्टिक्स में सही से आ नहीं पाया था, तो मैंने वीडियो को कट कर दूंगा। बट चलिए सेकंड प्लेट मेरे सुशी का, मैं उसको उठाता हूँ। तो आपका ये भी पता नहीं, हाँ ये देखिए, चलिए ये उठा लिया मैंने। ये आपका वसाबी सॉस में डिप करा, और फिर आपका क्या कहते हैं ये देखा, अगर ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये सुशी खा रहे हैं तो कभी कभार ये हो जाता है कि जो आपका वसाबी है ये बहुत ज़्यादा कभी कभार स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उसको चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको कितना डिप करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगली बार जो उठा रहा हूँ उसमें कोशिश करूँगा कि मैं हल्का डिप करूँ, क्योंकि पिछली बार जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा उसमें वसाबी आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था इसका फ्लेवर। काफ़ी फ्रेश वाली फील आ रही है मुझे, काफ़ी फ्रेश है, क्योंकि अभी तो जनता नहीं है। जब मैंने जब बोला कि जब मैं साथ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा जनता थी यहाँ पे, तो हर बार मैं आपको पूरा कन्वेयर बेल्ट दिखा ही देता हूँ, ये देखिए। बाद में सैटे जब उठूँगा तो मैं और बड़ा दिखा दूँगा, बट अच्छी खासी साइज़ का कन्वेयर बेल्ट है। और चलिए लास्ट में मैं जब और आगे कंटिन्यू करूँगा तो फिर और दिखाता हूँ। फिलहाल ये दूसरा, ये दो प्लेट हो गए मेरे, और मैं फिर नेक्स्ट ऑर्डर करता हूँ, उठाता हूँ, मतलब ऑर्डर नहीं करना होता है। बेसिकली आपका जैसे जैसे चीज़ें आती जा रही हैं और वो आप उठाते जाएंगे। चलिए एक और तरह की सुशी जो आप थोड़ी सी अलग दिख रही है मेरे को, वही मैं ये उठाता हूँ, ये देखें। एक्चुअली एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि लिखा नहीं हुआ है। मैंने जापान में कई जहाँ पे ये सुशी सेम तरह की सुशी कन्वेयर बेल्ट की सुशी ट्राई की, तो वहाँ पे एक्चुअली में लिखा रहता है कि आपका क्या है उस सुशी में, यहाँ पे नहीं लिखा है। बट फिर भी ये देखिए, ये तो अगर बहुत लोगों को शायद आइडिया लग जाता होगा कि क्या है, बट मुझे नहीं है। बट हाँ फिर भी नेक्स्ट प्लेस सुशी का ये रहा आपका। तो अगर आप देखो ये, तो ये आपका सी वीड है, बाहर जो आपका कोट है वो सी वीड का है, और अंदर राइस है। आई एम नॉट श्योर कि और क्या फीलिंग है, बट ये भी थोड़ा सा क्रिस्पी है कम्पेयर टू जो मैंने पहले वाला खाया, उसमें काफ़ी ज़्यादा ही सॉफ्टनेस थी। तो चलिए मैं, ये मेरा रहा तीसरा बेड, और सबको अंदर दिखाते जाइए, और साथ में आप ग्रीन टी। चलिए ये देखिए, कुछ अलग तरह की सुशी दिख रही है आपको, ये मैं उठाता हूँ इसको, एक बार साइड में प्लेट करता हूँ फिर से। और ये देखिए, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो है आपका यार फिश है, सी फीड है, और नीचे राइस है आपका। फिर से करते हैं, बस अभी मैंने करा। तो भाई साहब इस बार वसाबी ज़्यादा हो रही है, कभी कभी आपको ऐसा हो जाएगा कि देखिए, ये भी देखते थोड़ी अलग तरह की खुशी लगी ना, उनको फिर बाद में ट्राई करता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कभी अगर आप अगर ट्राई करते हो और वसाबी ज़्यादा हो जाती है तो आपको फील आएगी कि आपकी नाक से और आँख को सब नहीं आएगा, पर है। ये देखिए, मैंने इस बार कुछ अलग तरह का उठाया, ये शायद तक जो दिख रहा है मेरे को, ये आपके प्रॉन्स हैं, मतलब प्रॉन्स भी नहीं है, थोड़े से श्रिंप जैसे हैं, तो काफ़ी छोटे से हैं। और अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो इसके नीचे जो है ना वो आपका राइस नहीं है, तो ये भी समझ लीजिए कि मतलब कि सुशी जो बाय डिफ़ॉल्ट कई बार लगता है ना कि आपको कि नीचे चावल होगा, ऊपर से इस तरह की कोई मछली रखी होगी कच्ची, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये भी एक सुशी ही है जिसमें आपके ऊपर
क्या कहते हैं प्रॉन्स हैं और नीचे ये शायद एक बार ट्राई करता ना पूरा तो क्या है ये तो मुझे समझ आ रहा है ये यहाँ पे जो रेडिश होती है वो है और ऑब्वियसली ये जो है ये थोड़े से कई बार चॉपस्टिक से पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को बट हाँ आप नोटिस कर रहे हो तो मैं ये जो पीछे वाला पोर्शन है वो नहीं खाऊंगा अब इसे छोड़ दूंगा और बाकी बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो कहीं पे अगर सॉफ्ट है मतलब ये भी समझ आता है कि आपको शायद नहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी फ्रेश है फिलहाल अगर देखिए आप मेरे 5 प्लेट हो गए और ये भी देखिए बॉयल्ड फली मतलब शायद तक कोई तो बीन्स है वो भी होती है आपकी अगर आप साथ में खाना चाहें ये देखिए कुछ अलग तरह की सुशी मैं उठाता हूँ ये देखिए इसमें जो आपका फिश है ये सॉस है पूरा थोड़ा सा किस तरह का ये आपका क्या कहते हैं उसको आप चाइनीज़ सॉसेज होते हैं ना तो थोड़े से आपके मीठे होंगे ऊपर से अगर आप देखो ध्यान से तो इसके ऊपर थोड़े से तिल के बीज भी हैं तिल है बेसिकली तो मैं भूल रहा हूँ इसको बेसिकली कौन सा सॉस कहा जाता है वाकई में काफ़ी सही है नहीं तो मैं एक बार टाइम दिया था आपको 9:30 हो गए हैं और देखिए यहाँ पे सफाई होनी शुरू हो गया है चलिए एक वेज मुझे दिख रहा है ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था शायद इसको उठाते हैं और देखते हैं एक्चुअल में इसमें है क्या जब मैं बता नहीं पाऊँगा आपको है क्या लेकिन मुझे जितना ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा ही आपका वेज है ये देखिए नीचे नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो राइस है ठीक है और ये ऊपर जो है इसका ये फिश ना हो के शायद कोई तो घास वास है घास को जो भी कह लूँ मैं और फिर इसको डिप करिए और ये भी काफ़ी सही था बात देखिए एक चीज़ और ये भी उठाता हूँ मैं ये दिखाता हूँ मैं आपको ये क्या है ये हैं आपके ऑक्टोपस बहुत ज़्यादा बेबी से ऑक्टोपस है तो इनको मैं उठाता हूँ ये देखिए ये बहुत है थोड़ा सा तिल का फ्लेवर आ रहा है क्योंकि देखिए अगर सिसमे सीड जिसे कहते हैं या तिल रहते हैं थोड़ा रखना और ये काफ़ी सही था और देखिए केक भी अगर आप खाने के बाद जब सुशी खा चुके हैं उसके बाद ये आपका चॉकलेट केक भी जा रहा है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं जब पूरा खाना खा चुके हैं फिलहाल मैं ग्रीन टी का सेवन करता हूँ अभी है मेरे पास आधे घंटे और तो मैं थोड़ा आराम करता हूँ थोड़ा आराम से खाता हूँ और ये भी है थोड़ा चॉपस्टिक से खाने में अगर आप यूज्ड टू नहीं हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है सिचुएशन क्योंकि अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पे वो नहीं मिलेंगे आपको फोक नहीं मिलेंगे जिससे आप खा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए देखिए कहीं पर आपका ये नहीं लिखा है कि यहाँ पे आपको फोक या स्पून है तो जो भी खाना है या तो आप हाथ से खाइए या इस तरह से चॉपस्टिक से खाइए चलिए मैं आपको एक और दूसरी तरह की सुशी दिखाता हूँ ये देखिए अगर आप देख पा रहे हो ये आपके शायद तक फिश एग या एग्जैक्टली शायद अब मुझे याद नहीं आ रहा ये नहीं कहते क्या मैंने जापान में बहुत खाया था तो ये थोड़े से अलग से आपके हैं तो मैंने ये एक सुशी और मंगा लिया मतलब उठा लिया वहाँ से बेसिकली आपका और ये दीजिए ये रहा मेरा 10वां प्लेट सुशी का पर मेरी मानिए अगर मुझे मुझसे पूछें अगर आप रोमिन झोला से पूछें तो सुशी वाकई में बहुत ही लाजवाब चीज़ है अब एक तो आप ही बता ये देखिए इसमें जो है ना 2 प्लेट कंबाइन कर दिया
मतलब जितना मुझे याद आ रहा है कि इसमें अगर ये डेढ़ डॉलर के सिंगल प्लेट हैं तो अगर इन्होंने दो दो इसमें से कंबाइन कर दिए हैं तो बेसिकली आपका ये जो हो गया ये आपका दुगने दाम हो गया, मतलब कि $3 की ये हो गया। कुछ नया उठाने की कोशिश की मैंने, ये हम लोग शो क्या है ये देखिए, मोची है इनको लास्ट ले आते हैं, मुझे लगा था अगर आप आपको फेस दिखाने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगा था कि शायद किसी फिश के चंक से, बट ये मोची जैसे निकले, मीठे हैं तो मैं इनको लास्ट में बचा के रखता हूँ, इनको लास्ट में बनाऊँगा। एक और सुशी को ही खाता हूँ, फिर एक और थोड़ी सी अलग सी सुशी मुझे दिखी है, ये देखिए। अगर आप मैं फिर से पास से दिखाता हूँ आपको, तो इसमें भी आपका ऊपर ओहो हटना भाई, नीचे राइस है, बगल में सीवीड लगा दिया है, ऊपर से फिर से आपका ये वेजिटेबल्स जैसा कुछ है शायद, मोस्ट प्रोबेबली इसको फिर से खाते हैं। ये उतना अच्छा नहीं है, जैसा कि इन्होंने दे दिया मुझे, इन्होंने मैंने फाइनली काउंट बंद कर दिया खाने के बाद, तो 14 मैंने प्लेट हुए हैं, उसके बाद मैं वहाँ पे जाता हूँ ऑफिस का, जो कंप्लीट बिल होता है मैं आगे कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो में, आपको दिखाऊंगा कि हाँ कितना ओवरऑल बिल हुआ फाइनली। आखिरी में जैसे कि ये वो बच गया था स्वीट की तरह लास्ट में, मोची इनको जा रही है, ये देखिए। मैं पूरा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखिए काफ़ी लंबा वहाँ से शुरू हो रहा है एक लाइन से, और देखिए काफ़ी लंबा कन्वेयर बेल्ट है, और देखिए अंदर किचन है, इधर भी पूरा किचन है, और ये आपका पूरा घूमता हुआ फाइनली, और साइड भी आपका सीट्स हैं, और मैं फ़िलहाल ये अपनी चाय गर्म करता हूँ। 14 का मैंने वो कराया, एक चीज़ उन्होंने मुझे और ही बताई कि कहते हैं अगर थोड़ा सा कम रश चाहिए तो सुबह 11 से 12 के बीच में आ जाइए, क्योंकि 12 से दो टाइम्स काफ़ी रश होता है, और फिर शाम को आपका 6 से 8 वो काफ़ी रश का टाइम है। ये देखिए थैंक यू सर, ईच प्लेट इज फॉर 150 प्लस प्लस वन, ओके थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। जैसा कि अब मैं बिल दिखाता हूँ, कुछ $24.72 का बिल है, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला आपको कि एक प्लेट का जो दाम था वो डेढ़ डॉलर था, 14 हुए मेरे $21 होगा, और बाद में आपका कहते हैं जो टैक्स हुआ उसमें मिला के फाइनली $24.72। तो बस फिलहाल मैं इस आई होप कि कहते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस क्या कहते हैं अरे यार इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगली बार आपको एक और नए सफ़रनामे पे, तब तक घूमिए आवारा, 10 बज चुके हैं, मैं निकलता हूँ कहीं और आवारागिरी करने।